विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो एशियाई महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। चीन की सभ्यता एवं संस्कृति 6वीं शताब्दी से भी पुरानी है। ये दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन ही एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले कागज बनाने का काम शुरू किया, तथा चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है, और साथ ही ये विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, जिसका सबसे ज्यादा सामान भारत से ही निर्यात होता है। और आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि यहाँ के लोग फिटनेस के लिए ज्यादा सोने में भरोसा करते हैं, और चीन में लोग सबसे ज्यादा बेरोजगारी के लिए भी आत्महत्या करते हैं। चलिए आपको बताते हैं चीन की कुछ और खास बातें जो शायद ही आपको पता हो। चीन के अमीर लोग दूसरे को अपने बदले जेल भेज सकते हैं। चीन में खरीदने की क्षमता अमेरिका से ज्यादा है, इस लिहाज से चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने वाले लोग अमेरिका से ज्यादा चीन में हैं। चीन में एक ऐसी वेबसाइट है जहां गर्लफ्रेंड को उधार पर मिलती है। एक हफ्ते का रेट 2000 रुपए से भी कम। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको जॉइंट पांडा नजर आए तो आंखें मूंद कर मान लीजिएगा कि इस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज कर लिया है, और तो और इनके बच्चों पर भी चीन का हक माना जाएगा। अगर आप चीन में हैं तो आप इकिया स्टोर में सजे बेड पर आराम कर सकते हैं। इकिया दुनिया का सबसे बड़ा फर्नीचर स्टोर है। अगर आप हो गए बलून से धरती को निहारने निकलेंगे तो चीन का यांगशियो शहर सबसे खूबसूरत नजर आएगा। साल 2025 तक चीन में न्यूयॉर्क के बराबर 10 शहर होंगे। चीन में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। इसे ईटेबल बर्ड नेस्ट सूप या स्विफ्ट लेक भी कहते हैं। इस सूप की कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा दीजिएगा कि जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। अगर चीन की पूरी आबादी एक लाइन में लगाकर आमने सामने से गुजरे तो वो लाइन अपने पूरे जीवन काल में खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर का 29% वायु प्रदूषण चीन के चलते होता है। हाल में चीन में एक शख्स सुर्खियों में था जिसने इतना तीखा और मसालेदार सूप पिया कि उसके पेट में छेद हो गया। चीन में ऐसी कई गगनचुंबी इमारतें हैं जो वीरान पड़ी है, उनमें कोई नहीं रहता, फिर भी वहाँ नई बिल्डिंगें बनाने का काम जोर शोर से चालू है। चीन का लक्ष्य है कि अगले 20 साल तक हर साल 20 शहर बनाए जाएंगे। हालांकि उन शहरों को बसाने की कोई प्लानिंग नहीं है। यही वजह है कि वहाँ के कई शहरों को घोस्ट सिटी भी कहा जाता है। चीन की रेल लाइन इतनी लंबी है कि पूरी पृथ्वी के 2 चक्कर बन सकते हैं। चीन में ब्रेन ड्रेन की गंभीर समस्या है। आंकड़ों के अनुसार दूसरे देशों में पढ़ाई करने गए 10 चीनी छात्रों में से 7 कभी वापस नहीं लौटे। दिलचस्प ये है कि इनमें से अधिकतर अमेरिका में रहना पसंद करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल चीन में है, पर ये 2005 तक 99% खाली था। माना जाता है कि 2737 ईसा पूर्व चीनी सम्राट शेनोंग द्वारा चाय की खोज हुई, जब चाय के पत्ते उभरते पानी में गिर गए थे। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा पुराना कैलेंडर है। ये चंद्र कैलेंडर 226 बीसी में शुरू हुआ था और पूरा करने में 60 साल लग गए थे। चीन में वर्ष 2009 से ही फेसबुक, ट्विटर और द न्यूयॉर्क टाइम्स बंद है। चीन का लैशन जायंट बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति है। इसकी बोहेल यानी कि आईप्रॉस 5.5 मीटर लंबी है। 1973 में चीन ने 1 करोड़ महिलाओं को पॉपुलेशन बूस्ट करने के लिए अमेरिका को देने का प्रस्ताव रखा था। अगर आप चाइना की जमीन में किसी जगह गहराई तक खुदाई करें तो आप अर्जेंटीना या चिली पहुंच जाएंगे। 2020 तक चीन में 30 मिलियन और 40 मिलियन पुरुषों के बीच हो सकता है जो पत्नियां नहीं पा सकते। दुनिया में जहां अंडों को पानी में उबाला जाता है, वहीं चाइना में लड़कों के पेशाब में अंडों को उबाला जाता है। चाइना के लोग ज्यादा मात्रा में धूम्रपान करते हैं, जहां हर सेकंड में लगभग 50,000 सिगरेट की खपत है। तो ये थे चाइना से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें, इंटरेस्टिंग बातें। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।